संत राम प्रसाद महाराज ने कहा कि कलयुग में न तो तप हो सकता है और न ही ठीक से यज्ञ हो सकता है। व्रत तथा उपासना भी कलयुग में ढंग से नहीं हो सकती है। कलयुग में तो केवल भगवत नाम का ही आधार एवं भगवत नाम ही श्रेष्ठ है। महाराज मंगलवार को अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में सत्संग कार्यक्रम के तहत उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन सुना रहे थे। महाराज ने कहा कि जो भी साधक भगवत नाम का आश्रय लेता है उसको तीन फायदे होते हैं। पहला फायदा, विचारों की शुद्धि होती है। जितनी बार हम भगवत नाम का स्मरण करेंगे हमारे विचार पवित्र होते चले जाएंगे। विचारों को अगर पवित्र करना है तो भगवत नाम का स्मरण अवश्य करें। भगवत नाम के स्मरण का दूसरा फायदा है, जीवन में आने वाले अनेक अनिष्ट एवं कष्टों का निवारण होता है। जितना भगवत नाम का स्मरण किया जाएगा उतना ही हमारा जीवन अनिष्ट से दूर रहेगा एवं कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए भगवान को दुख भंजन कहा जाता है। दुखों की निवृत्ति के लिए भगवत नाम का आश्रय करना चाहिए तो दुख दूर हो जाएंगे। एवं भगवत नाम का स्मरण का तीसरा फायदा है, हमारे जीवन में परम शांति की प्राप्ति होगी और जिसके जीवन में शांति है वही आनंदित है और भगवत नाम के स्मरण की प्रेरणा हमें सत्संग में प्राप्ति होगी। इसलिए हमें निरंतर भागवत कथाओं का आश्रय लेना चाहिए। भगवत कथा सुनने से हमारी भक्ति भगवत निष्ठा दृढ़ होगी। संत राम प्रसाद महाराज सोमवार में भाटी परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद भागवत कथा में श्रद्धालुओं को कथा रसपान करवाएंगे। अपने प्रतिष्ठान के विज्ञापन पर पाइए आकर्षक ऑफर। जय स्काई चैनल पर आज ही अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देवे और पाइए आकर्षक ऑफर। दो माह के विज्ञापन पर अतिरिक्त एक माह फ्री ऑफर सीमित समय के लिए, तो आज ही संपर्क करें मोबाइल नंबर 9829050867।